नमस्कार, अब खबर बिलासपुर से। बिलासपुर के पेंडा रोड में राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी की धरना प्रदर्शन पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला मार्को जी ने आज धरने को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 वर्षों से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सरकार ने हमारी कुछ मांगे मान ली है, लेकिन हमारी मुख्य मांग पेंडा रोड को जिला बनाओ। प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो डॉक्टर उर्मिला मार्को ने अपने आंदोलन को उग्र आंदोलन व आर्थिक नाकेबंदी करने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव को लगभग 6 महीने बचे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने वोटों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। बिलासपुर से चैनल डी लाइव के लिए तनवीर आलम की स्पेशल रिपोर्ट।